नमस्कार, स्वागत है आपका द वॉरियर न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। आइए रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद मांगर में कूड़े के पहाड़ में भयानक आग लगने के बाद अरावली के क्षेत्र में फैला धुआं और प्रदूषण। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आइए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के जिला भिवानी में दो भाइयों समेत तीन को घायल कर भागा हांसी साइबर सेल का हेड कांस्टेबल, बाद में खुद भी की खुदकुशी। आइए रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। छज्जर में किसान विरोध प्रदर्शन के चलते अध्यक्ष ओपी धनखड़ पार्टी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, सांसद को ही लेनी पड़ी बैठक। आइए रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। लंबे समय से किसानों के साथ जुड़े इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला एक बार फिर पहुंचे किसानों के बीच कुरुक्षेत्र, जहां किसानों और अभय सिंह चौटाला के बीच हुई बातचीत। किसानों ने अभय सिंह चौटाला के समर्थन में लगाए नारे। आइए रुक करते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में मॉनसून का इंतजार खत्म, 3 दिन तक होगी झमाझम बारिश। 24 घंटे में होने वाली बारिश रिकॉर्ड भी बना सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जुलाई तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। आइए रुक करते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के जिला पंचकुला में तेज रफ्तार ट्रक का ऐसा कहर देखने को मिला कि रूह कांप उठे। यहाँ एक बेकाबू ट्रक में एक ही परिवार के 6 लोगों समेत 7 को बुरी तरह रौंद दिया। हादसे में माँ बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के और अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए। आइए रुक करते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के जिला करनाल के गांव बल्ला में पैसे के लेन देन को लेकर किसान के ही गाँव के कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आइए रुक करते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। पानी पर तकरार, हरियाणा के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने रविवार को कहा कि दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ने के लिए हरियाणा को निर्देश देने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। आइए रुक करते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के जिला फरीदाबाद में पानी की समस्या सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 25 में अधिकारी का घेराव किया गया और लोगों ने पानी की किल्लत को समझाया कि 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है। आइए रुक करते हैं दसवीं बड़ी खबर की ओर। पिछले साल अपलोड हुआ वीडियो अब हो रहा है जमकर वायरल। सोशल मीडिया पर कई लोग अक्सर अपनी पसंद का वीडियो डालते हैं। इसी क्रम में हरियाणा से आलिशा ने वीडियो पोस्ट की जो अब जमकर वायरल हो रही है, जिसे लोगों द्वारा खासा प्यार दिया जा रहा है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।